हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता रावस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। ये आलू सैंडविच है। आलू सैंडविच बनाने से पहले हम इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए, हमने ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आलू लिया है, इसे हमने बॉईल कर लिया है। इसके साथ हमने कुछ ग्रीन चिलीज लिए, इसे कद्दूकस कर लिया है। ऑनियन लिया है, इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। एक टोमेटो लिया है, इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा हमने धनिया पत्ती ली है और करी लीव्स लिया है। इसके लिए हमने जीरा लिया है, नमक लिया है, ये गरम मसाला लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है और टर्मरिक पाउडर लिया है। कुछ हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं, ये हमने चीज़ बटर लिया है और ये हमने सॉस लिया है और ये हमने वाइट सॉस लिया है। ये फन फूड का वाइट सॉस है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद हो वो ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म करा है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे और उसे भूनेंगे। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे, इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, टोमेटो डालेंगे और उसे चलाएंगे। इस प्रकार से हमने इसे 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, टर्मरिक डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हमारा मसाला हो गया है, इसमें हम आलू डालेंगे। आलू हमने डाल लिए हैं, अब हम इसे मिक्स करेंगे। इस प्रकार से हमने इसे सबको मिक्स कर लिया है। अब इसमें धनिया पत्ती गार्निश करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करेंगे। अब हम ब्रेड पे सॉस लगाएंगे। इस प्रकार से चारों ओर सॉस लगाएंगे। दूसरी ब्रेड पर भी हम इसी प्रकार सॉस लगाएंगे। इस प्रकार से हमने दोनों ब्रेड में सॉस लगा लिया है। अब हम इसमें टोमेटो की स्लाइस लगाएंगे इस प्रकार से और 2 ऑनियन की स्लाइस लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसके अंदर हम आलू की स्टफिंग लगाएंगे। इस प्रकार से हमने ब्रेड पर हमारा जो आलू का स्टफिंग था लगा लिया है। अब इस ब्रेड से इसको हम कवर कर देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम अपना एक ब्रेड और बना लेंगे।
इस प्रकार से हमारे दोनों सैंडविच रेडी हो गए हैं सिकने के लिए। सिकने से पहले हम इसे थोड़ा सा हम फन फूड इसमें सॉस डालेंगे, इस प्रकार से दोनों में ही डालेंगे। और जो हमने बटर की स्लाइस ली थी वो भी इसमें लगा देंगे। इस प्रकार से हमने बटर को इसमें लगा दिया है। अब हम इसे पुडिंग मशीन में रोस्ट करेंगे। हम इस प्रकार से पुडिंग मशीन में थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस करेंगे इस तरह से। ताकि हमारे सैंडविच इसमें चिपके ना। इस प्रकार से हमने ऑयल को ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें सैंडविच को रखेंगे। इस प्रकार से हम इसको कवर कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आलू सैंडविच बनकर रेडी हो गया है खाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।